हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 5, ठीक, यहाँ पे स्क्रू थ्रेड और गियर का मापन, इस पे के बारे में आपको कुछ चैप्टर्स यानी कुछ टॉपिक ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है गियरों के अवयवों का मापन, यानी हम किसी भी गियर के जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज मैं फिगर के थ्रू इसके बारे में बात करूंगा, ठीक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, गियरों के अवयवों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ गियर एलिमेंट्स, ठीक। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो गियर उसका मापन होता है उन्हें किस प्रकार से मापन करते हैं, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, गियर के अवयवों को मापन, पूर्व गियर के अवयवों के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए पहले गियर के अवयवों की परिभाषा के बारे में बताया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गियर होता है उसकी जो अवयव होते हैं यानी पहले से द्वारा निर्मित होते हैं, उनको सही रूप से हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको सही रूप से ज्ञान करते हैं यानी अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बावजूद यानी दूसरे गियर का निर्माण करते हैं, ठीक, इनके अंतर्गत यानी किया गया। तो इनमें से इस गियर के संबंधित विभिन्न अवयव कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, पिच रेखा हो गया, पिच वृत्त हो गया, रेखीय वित्तीय पिच हो गया, और पिच वित्त व्यास हो गया, व्यासीय पिच हो गया, पिच बिंद हो गया, मॉड्यूल हो गया, पिच सतह हो गया, एडंडम हो गया, पिच रेखा हो गया, एडंडम वृत्त हो गया, ठीक, वृत्त हो गया। आगे आता है तो डिडंडम हो गया, डिडंडम वृत्त हो गया, अवकाश हो गया, अवकाश वृत्त हो गया, दाब कोण हो गया, कुल गहराई हो गई, फिलेट हो गया, संपर्क मार्ग हो गया, और कार्यकारी गहराई हो गई, दांत की मोटाई हो गई, दांत का फलक हो गया, दांत की फलक हो गया, और फलक की चौड़ाई, टॉप लैंड हो गया, बॉटम लैंड हो गया, संपर्क चाप हो गया, ठीक। तो ये कुल इसके 26 अवयव होते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम में आ जाता है कि गियर संबंधित जो उनके एलिमेंट्स होते हैं यानी अवयव होते हैं उसके बारे में आप लोग को क्या राय है, ठीक, टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, तो फिगर हमारा क्या क्या कहता है, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यानी जो गियर होते हैं, एक गियर से दूसरे गियर की जो बीच की मोटाई होती है वो क्या कहलाती है, दांत का स्थान कहलाता है। अगर आपको डिफिनेशन में लिखने के लिए आ गया कि हम लिख सकते हैं किसी भी गियर के एक गियर के फलक को और दूसरे गियर के फलक के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, दांत का स्थान कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो ये एक गियर है, दूसरा वाला गियर क्या होगा, ये जाके जो उसका दांता निकला रहेगा, दांता जे के आके इसमें लेके जाके फिक्स हो जाएगा और ये इसमें फिक्स हो जाएगा, इनके माध्यम से जो उनकी बीच की दूरी क्या होती है, दांत का स्थान होता है। एडंडम क्या होता है, किसी भी गियर के एक सिरे के जो साइड यानी साइड वाले पार्ट्स के क्या कहते हैं, यानी एडंडम, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो इस टाइप की यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, एडंडम कहते हैं, और पीछे वाले स्थान को क्या कहते हैं, हम डिडंडम का स्थान देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे जो ये स्थान दिख रहा है ऊपरी सतह जिस पे जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोना, ठीक, वो क्या कहलाता है, टॉप लैंड कहलाता है। नीचे थोड़ा आते हैं तो उसे फ्लैंक कहता है, ठीक। नीचे और नीचे आते हैं यानी जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, पिच रेखा कहते हैं, पिच सतह हो गई, ठीक। जो बीच में आती है यानी बीच में गियर के एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बीचीय वित्तीय रेखा यानी बीच रेखा होती है क्या कहलाती है, पिच वृत्त कहलाती है, ठीक। ये जो स्थान होता है खाली होता है यानी एक गियर से दूसरे गियर के बीच में कुछ ना कुछ स्थान छुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, बॉटम लैंड कहलाता है, ठीक, ये फिलेट कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ से यहाँ तक जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक गियर हमारा समाप्त हुआ, दूसरे गियर के जो ईएस वाला पार्ट बच जाता है वो क्या कहलाता है, हम कह सकते हैं कार्यकारी गहराई भी कह सकते हैं, अवकाश भी कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इतना से इतना पार्ट क्या कहलाता है, एडंडम, और यहाँ से यहाँ तक पार्ट का क्या कहलाता है, डिडंडम, ठीक। और नेक्स्ट आता है तो कार्यकारी गहराई यानी हम कह सकते हैं जितना भी हम एक गियर में दूसरे गियर में फंसाते हैं वो क्या कहलाता है, कार्यकारी गहराई कहलाती है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, एक दोनों गियर आपस में जाके दोनों सिरों में जाके हल जाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाता है, जितना जाता है वो क्या कहलाता है, कार्य की गहराई कहलाती है। ये कुल गहराई हो गई, ये फलक की चौड़ाई हो गई, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आ जाता है गियर्स के अवयव कौन कौन से होते हैं आप एकदम ईजी ढंग से लिख सकते हैं। और आप लोग को मैं डिफिनीशन बनाने का सही तरीका बता दूँ कि अगर आपको फलक पूछ लिया जाए यानी फ्लैंक पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं किसी भी गियर के जो गियर के दाहिने साइड यानी दाहिने साइड या फिर बाएं साइड
यानी टॉप लैंड के नीचे थोड़ा नीचे के स्थान को बाएं साइड या फिर दाएं साइड को क्या कहलाते हैं हम फ्लैंक कहलाते हैं, फ्लैंक कहते हैं। इस प्रकार से डिफिनेशन आप बना सकते हैं यानी सभी चीज़ों का। तो आपको दिमाग में क्या करना है कि आप लोग को फिगर यानी फिगर जितना है ये फिगर सही ढंग से आप लोग को दिमाग में अपना कंठस्थ कर लेना है और आप एग्ज़ाम में एकदम इजीली ढंग से आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं और फिगर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट बताता है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट बताता है गियर महत्वपूर्ण अवयव का मापन, यानी हम किसी गियर के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका हम किस प्रकार से मापते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो गियर के कुछ अवयव काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जिनका मापन अति आवश्यक होता है। यानी ऐसे जो अवयव होते हैं उनको मापना और सही रूप से एक प्रकार सही रूप से बनाना और मापना अत्यंत आवश्यक होता है यानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कौन कौन से होते हैं, आपको गियर पिच हो गया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं गियर पिच कहाँ दिखा रहा है, यानी गियर पिच रेखा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इस साइड की यानी इस साइड से एक प्रकार से यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी की यानी जो फलक छूटता है वो क्या कहलाता है, गियर पिच रेखा कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कहता है तो गियर दांत की मोटाई। अब हम कह सकते हैं जो एक गियर्स बना और गियर बनने के बाद यहाँ पे जो इसकी मोटाई हो गई, इसकी मोटाई और इसकी मोटाई के ऊपर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर क्या कहलाती है, गियर की मोटाई कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट आता था गियर के दांतों का प्रोफाइल, यानी जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो प्रोफाइल आपका क्या दिखलाता है, यानी जो एक प्रकार से फलक जिसे बोलते हैं वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या कहलाते हैं, हम फलक कहते हैं, गियर फलक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आता है तो गियर पिच का मापन, हम गियर पिच के मापन को किस प्रकार से करते हैं, तो किसी भी गियर पिच मापन के लिए निम्नलिखित तीन सतहें होते हैं यानी तीन मापन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, वृत्तीय पिच हो गया, व्यासीय पिच हो गया और मॉडुलम हो गया। ठीक, जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से ऊपर बताया गया, ठीक वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा फिगर किस प्रकार से, वृत्तीय पिच क्या होता है, व्यासीय पिच क्या होता है और मॉडुलम क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, वित्तीय पिच क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए। ठीक, तो पी इज इक्वल पाई अपॉन डी, पाई डी ए अपॉन टी, ठीक ये आपका फॉर्मूला होता है। इन्हीं के बेस पे आपको एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन डेरिवेशन के रूप में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊँगा आपका सिलेबस पूरा ख़त्म करने के बाद, क्योंकि आशा है कि अगर आप लोग को अगर अभी से न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो आई होप कि आप लोग फार्मूला भी भूल जाएंगे हो सकता है और भी क्वेश्चन का तरीका भी मेथड भी भूल जाएंगे। तो इससे मैं सोचता हूँ कि आप लोग को डिफिनीशन पहले आप लोग को थ्योरी जो है वो सबसे पहले बता दूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकली आता है तो न्यूमेरिकल मैं बाद में बताऊँगा और वो एग्ज़ाम के पर्पज रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला भी इंपॉर्टेंट रहेंगे यानी ये रटा रहेगा आप लोगों को। ठीक, क्योंकि आप डिफिनीशन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी न्यूमेरिकल या फिर कोई भी डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट आता है तो यंत्र मशीन द्वारा वृत्तीय पिच का मापन, यानी हम किसी यंत्र मशीन द्वारा उसके वृत्तीय पिच का मापन किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, इस मशीन में दो मापन संपर्क टिप होते हैं जिनके गियर के दो संगत दांतों के सामान्य पृष्ठों पर लगाए जाते हैं, यानी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रकार से ऐसे मशीन होते हैं जो संपर्क चीज़ यानी दो गियरों के बीच यानी जो दो सतहें होते हैं दांतों के बीच यानी जो मशीन होती है उसकी दो सतहें होती हैं और यहाँ पे गियर गियर के सामने पृष्ठों पर लगाया यानी जो फ्रंट वाला सामने पृष्ठों पर लगा दिया जाता है, इसके बाईं और टिप के मापी जाने वाली दांत को पर टीका दिया जाता है, इसके बाईं तरफ के दो भुजाएं होती हैं जिसके भुजा एक टिकी होती है, दूसरी भुजा मशीन में लगे कर सूचक के बिंदु के रूप में बीच के रूप में होने वाले परिवर्तन को डायल सूचक पर देखा जा सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मशीन होती है यहाँ पे फ्रंट टाइप में क्या कहलाता है, एक प्रकार से दांतें फिक्स कर दिए जाते हैं और दूसरा क्या होता है जो सूचक यानी हम डायल सूचक में क्या लगाते देते हैं और उनके माध्यम से हम क्या कहते हैं वो जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं यानी जो परिवर्तन होता है उसको हम डायल सूचक के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे यंत्र मशीन द्वारा वृत्तीय पिच का मापन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, टूल माइक्रोस्कोप क्या होता है, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी भी छोटे छोटे पिंडों को यानी छोटे मोटे कारों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, यानी हम किसी छोटे पिंड को कारखंड को बड़ा देखकर कारकर
यानी बड़ा करके दिखाते हैं या फिर उसे मापते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों के लिए हम टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। या फिर हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके आधार पर करता है, तो आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है, एक प्रकार से हम किसी भी छोटे पिंड को, छोटे कार्यखंड को, छोटे उद्देश्य को हम क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ठीक, तो उन्हीं के सिद्धांत पर टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप भी कार्य करता है, जो सूक्ष्म वस्तु में माप को गुणा, कई गुणा बढ़ाकर, करके दिखाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म मापन यंत्र में जो निम्न होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, माइक्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी, ठीक, नेक्स्ट आता है तो टूल मेकर सूक्ष्मदर्शी, कार्यशालक सूक्ष्मदर्शी और यूनिवर्सल सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोमीटर क्या होता है कि जैसा कि आप कोई भी पार्ट हो गया उनको छोटा देखने की, यानी छोटा है तो बड़ा देखने के लिए, टूल मेकर्स हो गया, कोई भी टूल हो गया, टूल वगैरह के माध्यम से हम क्या कह सकते हैं, अगर छोटा दिख रहा है या फिर टूट फूट गया, ठीक, दिड़का वगैरह है, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टूल मेकर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो कार्यशाला सूक्ष्मदर्शी, अगर कोई भी कारखंड में, किसी भी कार्यशाला में कोई भी त्रुटियाँ हो सकती हैं, यानी हम दूर देख रहे हैं तो उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसे चेकिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सल, किसी भी जोड़ को, जोड़ में कोई भी त्रुटियाँ हो गई उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप और वित्त यंत्र मशीन द्वारा वित्तीय पिच का मापन, ठीक, नेक्स्ट आता था गियर के महत्वपूर्ण अवयव का मापन और गियर के महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से होते हैं, ठीक, यानी गियर के मापन अवयव कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आप लोग को एकदम ईजी ढंग से समझना होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और मैं एक चीज़ आप लोग को ये बता दूं कि आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि 30 तारीख के बाद सीएनसी मशीन और टूल इंजीनियरिंग की क्लास क्या कर दिया जाएगा, नोट्स 50 रुपये और 45 रुपये किसकी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और MMI की 45 रुपये कर दी जाएगी। अभी क्या है ऑफ़र, 35 रुपये है और 30 रुपये है, ठीक, जल्दी से जल्द आप लोग खरीद लीजिए नोट्स, नहीं तो दाम बढ़ जाएगा तो आपकी गारंटी होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।